गुड इवनिंग सर। गाइस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग एवरीवन। फाइन सर। कुछ होमवर्क था कर लिया सबने? यस सर। यस सर। डाउट्स हैं होमवर्क में? नो सर। नो सर। नो सर। किसी को डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। चलो ओके सर। गुड इवनिंग अभिषेक। अभिषेक नया चैप्टर तो तुम्हें आ रहा होगा आई गेस। ठीक है, चलो एज आई टोल्ड ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है तुम्हारा, तो अच्छे से कर लेना ताकि इसमें भी मार्क्स लूज ना हो तुम्हारे। तो लास्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे केसेस ऑफ कॉइंस, वन कॉइन, टू कॉइन और थ्री कॉइंस मैच पढ़ा था। तो मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन आते हैं तो टू कॉइन पे बेस्ड आएंगे या थ्री कॉइन पे आएंगे, दोनों ही इक्वल चांस में आते हैं, तो ऐसे टेंशन वाली बात। ठीक है सर, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में एक डाउट था। लास्ट में करते हैं वो। ओके सर। चलो, तो मैंने बताया स्पेशल केसेस कुछ रहते हैं, जैसे कॉइंस का केस एक स्पेशल केस है, ऐसे अगला स्पेशल केस होता है द केसेस ऑफ डाइस। जो लूडो खेलते हैं हम लोग, जो डाई होता है उसमें ठीक है, तो उससे रिलेटेड केस होते हैं। तो बताओ अगर एक डाई को रोल किया जाएगा तो कितने केसेस होंगे? सिक्स केसेस पॉसिबल है। तो इसका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस याद है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बन नहीं सकता है। क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई रोल क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर? 3/6 तो ही है इवेंचुअली। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 1/2 3/6 हो जाएगी, जो कि इवेंचुअली 1/2 हो जाएगा। फाइनली 1/2 लिखना होता है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि अपना केसेस वगैरह दिखते रहे कितने हैं। और एक और सेम बन जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर? 3/6 सब वैसे ही हो जाते हो एकदम, कितना भी कह लो कितना भी डांट लो बेशर्म हो बिल्कुल। करो जो करना हो। चलो उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर दो डाई रोल कर दिए जाएंगे, टू डाई, तो कितने केसेस बन जाएंगे बताना? 36। तो ज्यादा केस इसके होंगे या ज्यादा पूछा यही जाएगा। ठीक है, तो अगर हम दो डाई रोल करेंगे तो टोटल 36 केसेस बनेंगे। मैं एक बार लिख लेता हूँ, ऑल्दो तुम्हें हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक चलो, हाँ अगर हम दो डाई रोल करते हैं तो देयर आर टोटल 36 केसेस। मैं इनको इस साइड लिख देता हूँ और अगेन हमेशा ऑर्डर में लिखने से ठीक रहता है। 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5
एंड 16 ऐसे ही 2 की रो बन जाएगी 21 22 23 24 25 26 ऐसे ही 3 की रो बन जाएगी 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 और 56 एंड लास्ट रो हमारे 61 62 63 64 65 एंड 66 अगेन जब क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने फेवरेबल केस लिख दिया करो, ठीक है। अभी देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी की इंग्लिश अच्छी है क्या? डाई और डाइस में प्लूरल क्या होता है और सिंगुलर क्या होता है? मैंने उल्टा लिख दिया, सर डाइस होता है सिंगुलर, डाई सिंगल होता है, डाई सिंगुलर होता है, डाई सिंगुलर। मुझे तो याद आ रहा है, बाकी देख लो, डाई सिंगुलर है, सारे लोग बोल रहे हैं। आई डोंट नो, नेट पे चेक कर लो कोई, तब तक मैं मैथ्स कर रहा हूँ, इंग्लिश चेक कर लो, गलत नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो अभी केस क्या क्या बन सकते हैं या क्वेश्चन किस तरह क्या सकते हैं, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू इन द फर्स्ट डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू इन फर्स्ट डाई। देखो इसमें ऑर्डर मैटर करेगा कि पहले में क्या है और दूसरे में क्या है, तो टू इन द फर्स्ट डाई होता है सिंगुलर, उल्टा बोल रहे थे सर, मैंने ये कहा था डाई सिंगुलर, डाई सिंगुलर, ठीक है, मोस्टली लोग उल्टा बोल रहे थे, हाँ आप सबने सही कहा होगा। चलो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू इन द फर्स्ट डाई, समीक्षा 12 upon 36 और कोई टू इन द फर्स्ट डाई 1 upon 6 1 upon 6 2 in the first die, favorable case क्या होगा? सिर्फ second row ही तो हुई कि पहले die में 2 आए, तो सिर्फ ये वाली row जिसमें पहले die में 2 आ रहा है, तो favorable case हो गए 6 और total case हो गए 36, समझ गए मैम? What is the probability of getting a doublet? Doublet समझ गए? दोनों में सेम नंबर आए, 1 upon 6 वो भी हो गई 6 upon 36, क्योंकि फेवरेबल केस क्या होगा, हमेशा हम फेवरेबल केस लिख देंगे 1 upon 32 33 44 55 and 6, ये भी हो जाएगा 6 upon 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 5 अपीयर्स इन वन ऑफ द डाई, मतलब किसी एक में आ जाए दोनों में आ जाए, 5 अपीयर इन वन ऑफ द डाई, 11 upon 36 कुछ लोग 12 सोचने लगते हैं, 12 नहीं होगा 11 होगा, क्यों? 5 अपीयर इन वन डाई, 5 वाली जगह पूरी रो ये हो गई 6 केसेस और पूरा कॉलम ये हो गया 6 केसेस, लेकिन इनमें से एक केस कॉमन है, उसको दो बार थोड़े ना काउंट करेंगे, समझ गए? 6 केस ऐसे, टोटल 12 हमें लग रहा है, लेकिन 5 हमने दो बार काउंट कर लिया है, उसको एक ही बार काउंट करेंगे, तो फेवरेबल केस हो गए 11, तो 11 upon 36, एंड दिस विल बी वैलिड फॉर एनी नंबर, 3 अपीयर इन वन ऑफ द डाई 11 by 36, 7 अपीयर इन वन ऑफ द डाई 11 upon 36, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? और जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज बेस्ड ऑन सम, what is the probability that sum is this, sum of the numbers appearing in the dice is this, abhi batao do die roll karoge to minimum sum kitna possible hai, 2 aur maximum sum 12, iske beech ke sare sum possible hai, yes sir, 2 se leke 12 tak sare sum possible hai, yes sir, yes sir, sir matlab
मतलब दो डाई रोल करोगे तो सम कुछ भी आ सकता है ना, टू मतलब टू से कम तो नहीं आ सकता, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व. अभी प्रोबेबिलिटी निकालनी सारे सम की, तो एक बहुत अच्छा इसमें आता है जो जो कि भी रिजल्ट आएगा. देखो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी सम टू आए? 1/36. सम टू आने का सिर्फ एक ही केस है. देखो मैंने हमेशा बताया कि फेवरेबल केस लिखना है, तो जब मान लो क्वेश्चन आ गया सम टू है तो तुम फेवरेबल केस लिखोगे 1,1. सम टू सिर्फ एक ही केस में तो आ रहा है 1,1. यस सर. ठीक है. तो 1/36 तो 1/36. सम थ्री आए 2/36. तो 3/36. अभी समझ गए पैटर्न. 5 आए सम 4/36. यही होता है भेड़ चाल में. 5/36. एक नंबर तक बढ़ेगा फिर उसके बाद ये देखो ये मैक्सिमम केसेस हैं 7 जिसका सम है, उसके बाद तो कम होने लगेंगे ना. हमें आंसर तो याद होना चाहिए क्या 2 से 7 तक बढ़ता है और फिर कम होने लगता है पैटर्न में है, और जितना भी सम होता है उससे कम कर दो. जैसे 4 के लिए कर दो तो 3, 6 के लिए 5, 7 के लिए 6, और उसके बाद हम पैटर्न में कम कर लेंगे. प्लस हमें केसेस लिखने भी होंगे. अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, रिजल्ट तो याद ही होगा तो गलती नहीं होगी. जैसे कहा सम 9 की प्रोबेबिलिटी क्या, हमें आंसर पता 4/36, लेकिन हम 4 फेवरेबल केस दिखाएंगे अपने. 4 के लिए क्या क्या केस हो, सॉरी सम 9 के लिए क्या क्या केस हो जाएंगे सर? 5, 4, 4, 5, 3, 6, 7, 7, 4, 5. हमेशा दोनों तरफ से कर लिया करो 5, 4, 4, 5 and 6, 3, 6, 3, 6. ठीक है. सर हमने जो लिखा है 6/36 और 4/36 उसको हम रिड्यूस नहीं करेंगे मतलब? हाँ करेंगे करेंगे, वो तो इसलिए मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि फेवरेबल केस दिखते रहे. रिड्यूस अब करना ही है फाइनली. ठीक है. इससे हमने सब कॉमन को तो एक बार काउंट करेंगे. हाँ ऑफ कोर्स. तो सर 5,4 और 4,5 को तो एक ही बार लेंगे? नहीं कॉमन थोड़ी ना 5,4 और 4,5 अलग-अलग केस नहीं है. ओ 5,4 ये केस है, 4,5 ये केस है, अलग-अलग नहीं दिख रहा है? हाँ सब्ट्रैक्शन में नहीं आ सकता उसे मतलब. यहाँ से हमने एक और चीज सीखी. मान लो तुम्हें से कोई बिगड़ गया और बहुत गैम्बलिंग करने लगा, तो जब गैम्बलिंग करोगे तो 2 डाई वाले तो किस नंबर पे करोगे? किससे पैसा लगाओगे, किस सम पे? 7 पे पैसा जब भी लगाना, क्योंकि इसी के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. कोई गया कि नहीं मेरा लकी नंबर 11 है, 11 पे लगा दिया तो हार हो गई. ठीक है. यस सर. नोट कर लिया सबने? यस सर. यस सर. करें कुछ क्वेश्चन? यस सर. मैं हटा रहा हूँ, कोई लिख तो नहीं रहा है? नहीं सर, हो गया. ठीक है लिखो क्वेश्चन. टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. फाइंड
find the probability. Find the probability of getting. Find the probability of getting. कई पार्ट है इसके, पहला पार्ट लिखो, फोर ऑन द सेकेंड डाई, फोर ऑन द सेकेंड डाई. अगला पार्ट लिखो, सम मोर देन एट, सम मोर देन एट. नेक्स्ट पार्ट, सम सम एज अ प्राइम नंबर, सम एज अ प्राइम नंबर. अगला पार्ट लिखो, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड ऑड ऑन द सेकेंड डाई. इवन नंबर on the first die and odd on the second die. Chalo karo itna. सर डन हो गए सबके? यस सर. एक मिनट. हाँ ले लो, एक मिनट जल्दी करो. सर डन. ओके, इस हफ्ते टेस्ट के लिए कहा है सर ने? यस सर. यस सर. यस सर. ग्रुप में तो आया नहीं, मैंने क्लास में कह दिया था शायद. सर आया था ग्रुप में. आया सर. आया था ग्रुप में. आया था. कैसे मिस कर दिया? अच्छा अच्छा अच्छा. जस्ट 30 सेकंड्स और कुछ लोग कर रहे हैं, कर लें. सडन सडन. चलो तो चलो, फर्स्ट पार्ट कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? बताओ सर. 6/36. क्वेश्चन तो बता दो पहले. 4 ऑन द सेकंड डाई. 4 ऑन द सेकंड डाई तो 6 केस हो जाएंगे, पूरा एक रो हो जाएगी 6/36, जो कि 1/6 फाइनली हो जाएगा.
ठीक है, सेकंड कौन बताएगा? बताओ क्वेश्चन में बोलना। सम मोर देन एट, ठीक है। टेन अपॉन 36 सही है क्या? यस सर। सम मोर देन एट का मतलब क्या है कि सम 9 हो सकता है, 9 10 11 और 12। तो 9 के कितने केसेस हैं? आई थिंक 4 केसेस होते हैं। 4 3 2 1 सम के 3 केस हैं, 11 सम के 2 केस हैं और 12 सम के 1 केस हैं। ये सारे ही हमारे फेवरेबल केस हो गए, तो टोटल 10 फेवरेबल केसेस, सो 10 अपॉन 36 ठीक है। थर्ड पार्ट समय बताओ। समय बताओ समय से प्राइम नंबर आंसर है 15/36 सही बोल रहा है क्या? यस सर। सम एज अ प्राइम नंबर में क्या क्या आ जाएंगे? सम 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या 11? 11 2 का 1 केस, 3 के 2 केस, 5 के 4 केस, 7 के 6 केस और 11 के भी 2 केस। सारे ही फेवरेबल केस है हमारे, तो टोटल हो गए 15। बिल्कुल ठीक बताया। तो नेक्स्ट वन बताएगा सुहानी, बताओ। 9/36 क्वेश्चन तो बोलो पहले। The even number on the first dice and odd on the second dice. Even on the first die and odd on the second. So, sahi bola kya 9/36? Yes, sir. Even on the first and odd on the second. So, dekho ye case hai. 2-1, 2-3, 2-5. Teen is row se ho gaye. Kya? Sir, 6. Nahin, dekho na, bata raha hun. 2-1 ek case ho gaya. 2-1, 2-3, 2-5. फर्स्ट टाइम में इवन होना चाहिए, पहले रो तो पूरी गायब हो गई क्योंकि वो तो फर्स्ट नंबर ऑड हो गया है। सर फिर 4-1, फिर 4 वाली रो के 3 नंबर हो जाएंगे 4-1, 4-3 एंड 4-5, ऐसे ही 6 वाली रो के 3 नंबर हो जाएंगे 6-1, 6-3 एंड 6-5। सर 1/4, तो 9 में था जो कि इवेंचुअली 1/4 हो जाएगा। ये भी है, मजा आ रहा है? यस सर। ठीक है चलो, नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड केस है दैट इज विद द कार्ड्स। कार्ड खेले सबने? सर। यस सर। सर यस सर। यस सर। हमने समर वेकेशन में खेले ही होंगे ना? नहीं खेले सर। किसने नहीं खेला? क्वेश्चन नहीं खेले क्या? नहीं, लास्ट ईयर भी नहीं खेले थे भाई, कब खेलोगी? अभी नहीं, पढ़ाई हो जाए उसके बाद। आई जिंदगी भर चलती रहेगी, कुछ नहीं करोगी क्या लाइफ में? ऐसी बात नहीं है, करूंगी अभी इस समर में कर लेना। चलो तो हम कार्ड खेलते हैं, तो कार्ड में आयुष को बताऊंगा, एक डेक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड होते हैं? 54 इंक्लूडिंग जोकर, ओकर इंक्लूडेड नहीं होता है तुम और कुछ लोग नहीं, हमारा तो ये रोज का ही काम है तो हमें सब पता है। चलो तो एक डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं जो कि अक्रॉस फोर डिफरेंट सूट्स डिवाइड होते हैं, फोर डिफरेंट कैटेगरीज बोल लो, फोर डिफरेंट हाउसेस बोल लो, एग्जैक्ट वर्ड सूट्स है। देयर आर फोर सूट्स जो कि होते हैं दो ब्लैक दो रेड, डायमंड, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ पहली बार के लिए, हार्ट डायमंड, सूट्स एंड स्पेड्स, क्लब क्लब एंड स्पेड। मोस्टली हमारे इंडियन फैमिली में हिंदी में कहते हैं, तो पान, हार्ट को पान बोलते हैं हिंदी में और डायमंड को ईंट बोलते हैं, क्लब को चिड़ी बोलते हैं और स्पेड को हुकम बोलते हैं। स्पेड है, स्पेस लिख दिया था, ठीक है। तो अगर ये फोर सूट्स में है तो हर सूट में कितने कार्ड हो गए? 13। हर सूट में 13 कार्ड्स हो गए, ठीक है। हमें 13 कार्ड सब में एक जैसे होते हैं, बस इन सबका हाउस अलग है, एक तरह से सूट अलग है। ये 13 कार्ड्स क्या क्या होते हैं तो मैं नीचे से ऊपर लिख रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, King, Queen, Jack, Queen, King, और मैं अच्छा हाँ महारथी बैठे हुए हैं, महारथी बैठे हैं। चलो ऊपर King, Queen और यहाँ पर Jack। टोटल 13 कार्ड्स होगा एक सूट में। एस की वैसे तो सबसे ऊपर होता है बट नंबर वाइज उन्होंने लिख दिया, ए वन नहीं होता, ए लिखा होता है, एस बोलते हैं उसको। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन जैक, कुछ लोग जोकर बोल देते हैं उसको, जोकर नहीं वो जैक है।
जैक क्वीन एंड किंग. इनफैक्ट मैं लिख क्यों रहा हूँ, तुम्हें तुम लोगों को फोटो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, बेटर रहता है. जोकर अलग होता है ना, जोकर वो डेक का पार्ट नहीं होता है, वो तो बच्चों को खेलने के लिए ऐसा नहीं होता है. नहीं सर, नहीं सर, मैं तो आदित्य की बात कर रहा, तुम क्या बोल रहे हो? तो ऐसे पेपर दे दिया जाता है बस ब्लैंक वाला. अरे कहाँ गई फोटो यार? सर ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, याद है ये? हाँ पढ़ाया था, कुछ लोग जिद कर रहे थे मुझे याद है, बट ऑफिशियली सिलेबस में नहीं था. क्या हो रहा है? सर बुक में भी है. चलो ओके, ये देख रहा है डेक ऑफ कार्ड्स? यस सर, यस सर. तो हमारे पास ये चार सूट्स दिख रहे हैं. सबसे ऊपर ये क्लब है, एंड दिस इज अ स्पेड, हार्ट एंड डायमंड. सब में 13 कार्ड्स है. अच्छा अब इसमें हम किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो देखो नोटिस करोगे कि जो ये तीन कार्ड है, लास्ट के थ्री कार्ड्स हैं, इसमें फेस बना हुआ है. ऐसे कार्ड्स को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स. ठीक है, मतलब पूरे डेक में कितने फेस कार्ड्स हो गए? 12. टोटल 12 फेस कार्ड्स इन अ कंप्लीट डेक. तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि यार एक डेक ऑफ कार्ड था, उससे रैंडमली एक कार्ड चूज किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी की वो एक फेस कार्ड होगा. क्या हो जाएगा वो? 12/52 एंड द प्रोबेबिलिटी कि वो एक रेड कार्ड होगा. दोनों को रेड बोलते हैं, 26/52 ये हो गई रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, और यही हो गई ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी. क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड में नंबर आएगा वो लेस देन 5 होगा? ए को नंबर नहीं बोलेंगे, गेटिंग अ नंबर लेस देन 5. 16/52 में 2, 3 और 4 तीन कार्ड आएंगे, 16 क्यों होंगे भाई? मैंने कहा एस को नंबर नहीं लेंगे, तो 12/52 समझ गए. अब इसमें कुछ क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के आते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, सुन लो अच्छे से. इस तरह एक कॉम्बिनेशन होगा, हाँ एक क्लास है, मुझे तो मीटिंग ही नहीं दिख रही यार. चलिए अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं एंड और पे बेस्ड. एंड और पे कैसे? यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन कार्ड इज अ रेड क्वीन. रेड क्वीन का मतलब क्या हो जाएगा? रेड भी हो एंड क्वीन भी हो. रेड क्वीन का मतलब रेड एंड क्वीन. 2/52 ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट अ स्पेड और जैक.
सर सिक्स अपॉन फिफ्टी सॉरी एट अपॉन फिफ्टी टू स्पेड और जैक सर एट अपॉन फिफ्टी टू और बताओ हमने कहा कि स्पेड हो या फिर जैक हो तो टोटल स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13 तो स्पेड हो गए और जैक कितने होते हैं स्पेड वाले को एक्सक्लूड करके जैक होंगे लेकिन ऑफकोर्स एक कार्ड है जो दोनों में लिखा हुआ है जो एक जैक स्पेड का जैक जो होगा वो दोनों में लिखा हुआ है दोनों में कॉमन है तो ऑफकोर्स को हम दो बार काउंट नहीं करेंगे दैट विल बी 16/52 तो जब और आएगा तो दोनों चलते हैं और का मतलब है कि चाहे ये हो चाहे ये हो लेकिन जब एंड आएगा तो कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए हम सिर्फ वो कार्ड लेंगे जो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो समझ गए फिर एक बार रिपीट कर दो नहीं आया जैसे और लिखा होगा तो हमारे फेवरेबल केस में दोनों आ जाएंगे जैसे यहाँ लिखा है ना स्पेड और जैक तो सारे स्पेड भी फेवरेबल हैं और सारे जैक भी फेवरेबल हैं ठीक है तो टोटल केस कितने होगा स्पेड होते हैं 13 और जैक कितने होते हैं पूरे डेक में जैक 4 होते हैं और होते हैं तो टोटल 17 लग रहा है लेकिन 17 नहीं क्योंकि एक कार्ड दोनों में काउंट कर लिया है एक जैक स्पेड में भी तो होगा यस सर तो दो बार नहीं काउंट करूंगा 16 केसेस हो गए अभी यहीं पर अगर क्वेश्चन होता है स्पेड एंड जैक तो कितने फेवरेबल केस हो जाते हैं 17 क्या बोल रहे हो सॉरी जब एंड आए तो दोनों होना चाहिए तो स्पेड भी हो और जैक भी हो ऐसा एक ही केस है तो मल्टी जाएगी 1/52 समझ गए एंड लगाओ तो दोनों प्रॉपर्टी और लगाओ तो कोई भी एक चलेगी लिख लिया सबने लिख लो फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ सर मैं 2 मिनट के लिए वीडियो खोल लूं कर लो हो गया ना डन यस सर चलो लिखो सर हाँ सर मेरा एक डाउट था सर जो कार्ड्स हैं इसमें आपने बोला कि 13 होते हैं तो सर फिर मतलब 10 नॉर्मल कार्ड्स होते होंगे और 3 फेस कार्ड्स होते होंगे मतलब हाँ नॉर्मल और अनॉर्मल क्या होता है 3 कार्ड है जो फेस कार्ड है बाकी में फेस नहीं है टोटल तो 13 कार्ड है उसमें नॉर्मल कोई वर्ड इसमें स्पेसिफिक वर्ड नहीं है मतलब 10 में फेस नहीं है 3 में फेस है सिंपल सी बात ही है ठीक है यस सर चलो लियो क्वेश्चन वन कार्ड इज ड्रॉन From a deck of 52 cards, one card is drawn. From a deck of 52 cards, find the probability of getting. पहला लिखो a non-face card. दूसरा लिखो spade or an ace. तीसरा लिखो a black king. चौथा लिखो क्लब
और अ फेस कार्ड क्लब और अ फेस कार्ड पांच वाले को अ रेड फेस कार्ड अ रेड फेस कार्ड करो आई विल बैक इन अ मिनट सर एक बार थर्ड पार्ट रिपीट कर सकते हो ब्लैकिंग है सर डन Sir done. Sir done. Sir done. Sir done. हो गया क्या थर्ड पार्ट रिपीट कर दो कौन सा सर ब्लैकिंग था ना सर कह रहे थर्ड पार्ट रिपीट कर थर्ड पार्ट ब्लैकिंग चलो फर्स्ट कौन बताएगा जिन्होंने बता दिया वो दोबारा नहीं बताएंगे सर मैं बताऊं हां बताओ प्राची बताओ तुम सर 40/52 पहला है नॉन फेस कार्ड तो फेस कार्ड होता है 12 तो नॉन फेस कार्ड है 40 हो गया 40/52 इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से किया जा सकता है कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी होती है 12/52 और ये है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तो 1-12/52 हो गया नॉन फेस कार्ड तो एक ही आंसर आएगा ठीक है चलो नेक्स्ट बताओ आस्था सर 16/52 सर मैं बताऊं एक एक करके रुकता हूँ 16/52 स्पेड और एन एस पिछले जैसा ही स्पेड 13 है और एस 4 है 17 एक कॉमन हो गया उसको हटा देंगे तो 16/52 चलो नेक्स्ट 2/52 आरएन ने बताया क्या यस 2/52 ठीक है ब्लैक किंग दो ब्लैक किंग होते हैं 2/52 इशिता तुम बताओ फॉर 22/52 ये है क्लब और अ फेस कार्ड तो टोटल क्लब होते हैं 13 और फेस कार्ड होते हैं 12 25 हो गए लेकिन क्लब के फेस कार्ड हमने दो बार काउंट कर लिए हैं जो कि है जैक किंग और क्वीन तो तीन फेस कार्ड दो बार काउंट हो गए उन तीन को हटा देंगे तो 22/52 ठीक है यस सर नेक्स्ट देवांशी बताओ सर 26/52 क्वेश्चन बोलो एक बार सर अ रेड फेस कार्ड ओ नहीं नहीं सॉरी एक सेकंड गलती कर दी सर मैं बताऊं जस्ट बता दो बताऊं रुक जाओ उसको बताने दो ये क्लब और फेस कार्ड का कैसे हुआ ये नहीं आया अभी तो डिस्कस हो रहा है वो तो वो हो गया फोर्थ वाला फोर्थ वाला अच्छा अच्छा ये तो हम पहले भी कर चुके हैं हर्षिता
क्लब और फेस कार्ड है, क्लब कितने होते हैं? सर क्लब 13 होते हैं। 13 क्लब है और फेस कार्ड कितने होते हैं? कार्ड 12। वेल टोटल होगा 25, लेकिन क्या हमने कुछ कार्ड्स दो बार काउंट कर लिए हैं? यस सर। कौन से? फेस कार्ड्स कर लिए सर। फेस कार्ड, सारे फेस कार्ड दो बार पूरे काउंट हो गया होंगे सर? हो गया। जो एक मिनट देना, जो क्लब भी है और फेस कार्ड भी है, दो चीजें देख रहे हैं ना, क्लब हो या फेस कार्ड हो, तो दो बार क्या काउंट हो गया? जो दोनों में आ रहा होगा, जो क्लब का भी होगा और जो फेस कार्ड भी होगा। नहीं समझ पा रहे हो? नो सर। जो क्लब का फेस कार्ड है, क्या वो दोनों कैटेगरी में काउंट हो गया है? क्लब में भी हो गया और फेस कार्ड में भी हो गया। समझ गए ना? यस सर। क्लब का जैक है, दोनों तरफ काउंट हो गया ना, तो हम दो बार कुछ कार्ड्स काउंट कर रहे हैं। और कितने ऐसे कार्ड है? सर तीन। तीन जो क्लब के भी हैं और फेस कार्ड में, तो क्लब का जैक, क्लब का किंग और क्लब की क्वीन, ये तीन कार्ड दोनों तरफ काउंट हो गया ना? यस सर। तीन कार्ड को हटाना पड़ेगा, एक बार दो बार थोड़े काउंट करेंगे, एक ही बार करेंगे, तो नेट 22 कार्ड बच गए। ओके सर। हाँ देवांशी बताओ। सर 3/26 दोनों होने चाहिए कि फेस कार्ड भी हो और रेड भी हो। तो जो 12 फेस कार्ड, उसमें आधे रेड है आधे ब्लैक है, तो सिक्स कार्ड है जो कि रेड भी होंगे और फेस कार्ड भी होंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ बोर्ड वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इन स्टैंडर्ड केसेस को लेके, वहीं कुछ नॉन स्टैंडर्ड केस है वो भी हम करेंगे। ये तो मैंने बता दिया, जो मेन केसेस आते ही रहते हैं काफी मेजर टाइम। लेट्स सी, चलो लिखो क्वेश्चन। A pair of dice thrown. What is the probability that pehla likho, the sum of numbers is at least 3. Second part likho. 5 will not come on either of them. 5 will not come in either of them. Next part likho. Sum as multiple of 3. क्या? हाँ तीन ही है। सर हो गया। सब तो हो गया, कोई कर रहा है? सर कर रहा हूँ।
सब हो गया ठीक है, सबको कर लेने दो। चलो माही बताओ पहले का। सर 33/36 आपका ये यार है क्या? 35 3 से कम हो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो गया? नॉट एट लीस्ट 3, मतलब 3 से कम, 3 से कम मतलब सिर्फ 2 वाला केस हो गया, 1.1 व्हिच इज 1/36। तुम्हारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? PE इज इक्वल टू 1 - 1/36 जो कि है 35/36। समझ गए ना सारे लोग? माही गलती कहाँ हो गई? माही यस सर गलती कहाँ हो गई? सर मैंने 3 वाला काउंट कर लिया था। 3 वाला काउंट करना था। अच्छा सबट्रैक्ट करने में। यस सर। चलो ध्यान रखना। नेक्स्ट अभी कौन और छुपा बैठा है? सनी बताओ। सर मेरे से हुआ नहीं। नहीं हुआ। तो मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? समय आए? इसने अभी तक बताया नहीं है। किसी एक में भी 5 आए तो 11 थे, तो 5 ना आए कितने बचे? बचे हुए सारे केस 5 ना आए तो 36 - 11 कितना होगा? 25 केसेस हो गए भाई। 5 आने वाले में ये एक पूरी रो और एक पूरा कॉलम था, तो 5 ना आने वाले में सारे बचे हुए हो गए। ओके सर। सर वो कॉमन को एक नहीं लेंगे? हाँ एक ही लेंगे, तो 11 में 5 था, 11 के ऐसे जिसमें किसी ना किसी में 5 है, तो कितने केसेस में नहीं है? वो हो गया 36 - 11 मतलब 25 केसेस में नहीं है, 25/36। चलो समीक्षा तो बताओ अगला। सर नहीं आया मुझे वाला। ना आने का क्या है यार? एक मिनट रुक जाओ, अप्रोच बताओ क्या सोचा अभी तक? क्या पूछा गया है? सम एज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होते हैं? तेज बोलो थोड़ा। सर 12/36। आंसर नहीं बोला, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ? सर 3 के जितने भी मल्टीपल है। बताओ ना क्या क्या हुआ? सर 9, 12, 6, 12 और 15। सम क्या 15 हो सकता है? सम 15 पता नहीं। पता नहीं क्या है? दो डाई रोल करोगी अभी, इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं? दो डाई रोल करेंगे, सम क्या होता है मैक्सिमम? पूरी हमने टेबल बनाई है, क्या कर रहे हो? सो रहे हो क्या बैठ के? नहीं सर। तो सम क्या होता है मैक्सिमम? देखो टेबल बनी हुई नीचे, सम क्या लिख रखा है? मिनिमम सम कितना होता है? दो डाई रोल करेंगे। ये तो क्लास 4 से बच्चा बता देगा। लूडो नहीं खेलते हो क्या? डाई नहीं देखा है कभी? मिनिमम सम क्या होता है अगर डाई रोल करते हैं? बोलो सर। माइनस एक डाई को रोल करेंगे, मिनिमम नंबर क्या आ सकते हैं डाई में? सर मिनिमम नंबर सर 3 के मल्टीपल में नहीं, इन जनरल डाई रोल करते हो तो कम से कम क्या आता है? सर 1। 1 तो मिनिमम सम क्या पॉसिबल है? सर 1 - माइनस क्यों बोल रहे हो? सम करना नहीं आता है क्या? माइनस क्यों कर रहे हो? मिनिमम सम क्या पॉसिबल है? सर 1+2 डाई है भाई मेरे।
मिनिमम सम क्या होगा? दोनों टाइम मिनिमम नंबर क्या आ सकता है सर? वन और वन। तो सम कितना हो गया मिनिमम? सर टू। टू हो गया। मैक्सिमम सम कितना हो गया? मैक्सिमम टाइम में क्या आ सकता है सर? वन और टू थ्री। मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है एक टाइम में सर? मैक्सिमम नंबर सिक्स और वन। सिक्स और वन क्यों बोले? दोनों में सिक्स नहीं आ सकता है सर? आ सकता है। तो मैक्सिमम सम कितना हो गया सर? ट्वेल्व। तो ये हमने अभी टेबल बनाई नहीं थी पूरी सम की, तुमने नहीं बनाई अपनी कॉपी में सर? बनाई है। तो फिर कैसे नहीं बता पा रहे हो कि सम मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? इतना बच्चों को जरा कराना पड़ रहा है, ये बनी नहीं हुई टेबल। यस सर। ये क्या बनाओ तुमने? उसमें लिखा नहीं था कि समझा नहीं था? हाँ सर, थोड़ा समझ में नहीं आया। तो फिर पूछा क्यों नहीं? पैसे वेस्ट करने बैठे हो क्या यहाँ पर? नो सर। फिर जब कोई डाउट है तो पूछो, इसीलिए तो यहाँ आती हूँ ना, सीखने ही आती हूँ ना, कि मुझे चेक करने आती हो कि सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। चलो बताओ भाई, मल्टीपल ऑफ थ्री क्या क्या पॉसिबल है? रोने लगेंगे यार। अरे यार, कभी कभी डांटना पड़ता रोने। मल्टीपल ऑफ थ्री बोलो जल्दी। अच्छा अच्छा, मत बोलो, चुप चुप, माइक बंद करो। 5/36। अरे क्या पूछ रहा हूँ मैं, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ थ्री क्या पॉसिबल है बताओ सनी। सम क्या क्या पॉसिबल है मल्टीपल ऑफ थ्री में? 9 और 12 है, और सर तो 5 हो गया, 5/36। सर 9 और 12 सम मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, गधे हो क्या बिल्कुल? सर 6 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता है क्या? 6 9 12 6 6 9 12 बोलो, फिर 6 बोलो, फिर 9 बोलो, फिर 12 बोलो। 9 10/36। सम 3 आने के केस कितने हैं? 2 केसेस हैं। सम 6 आने के सही था गाइस? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो। अ कार्ड इज ड्रॉन, a card is drawn from a deck of from a deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn is pehla likho, neither a red card nor a queen, neither a red card nor a queen. Or a nor, neither nor. Okay. Neither a red card nor a queen. Second likho, a king or a queen. A king or a queen. Third likho, neither a king nor a queen. Neither a king nor a queen. लिख लिया सारे? ये तीन पार्ट है, तीनों का समीक्षा कर रहे हो ना कि अभी तक रो रहे हो? नहीं सर, कर रही। ठीक है, होते ना इतने बड़े हो गए अभी तक रो रहे हो बच्चों का। सर डन डन सर, साथ के साथ कर लिया था ना। रुक जाओ, बाकी लोगों का ले लो। इस बार किसका नंबर है डांट आने का? अंशुमन हो गया,
अर्जुन हो गया, अर्जुन क्लास में हो तुम? यस सर, सर एक बचा है, जल्दी करो। चलो पहला बताओ अर्जुन। सर 32 ओपन 52। पूछा क्या गया तो बोले गया, पहला क्वेश्चन क्या था? सर 20 होगा। नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, तो ये कैसा निकाला तुमने अर्जुन? सर रेड कार्ड 16 है। ठीक है, ए क्वेश्चन कहां से आ गया रेड कार्ड? 26 होता है ना, आधे रेड होते हैं ना, टोटल 52 कार्ड्स हैं, आधे रेड आधे ब्लैक। चलो और आगे क्या किया था? 16 रेड कार्ड लिए थे, और क्या लिया था? और सर 4 क्वीन। ठीक है, फिर क्या किया था? फिर सर 52 ट्राई कर दिया था। यस सर, लेकिन देखो मान लेते हैं कि 16 सही भी होता तब भी तुमने क्या गलती करी है, जो कॉमन वाले हैं वो नहीं हटाए हैं। विधि तुम बताओ। यस सर, बताओ पहले का आंसर। बताओ माइक ऑफ करके क्या बैठे हो? सर 22 अपॉन 52। 22 सही बोल रहे क्या? Yes, बताना है अप्रोच। विधि कैसे किया ये बताओ। मेरा 28 आया है। मेरा क्या 20 आया है? अरे रुको, 24 आया है। रुको रुको, चुप 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 रहो। विधि बताओ कैसे किया? यस सर, वो रेड कार्ड्स 26 होते हैं और क्वीन 4 होते हैं, तो मैं 30 टोटल 30 कार्ड्स हैं, उसमें से 2 माइनस करना है। ठीक है, तो बहुत सही, सबको सही सोचा, लेकिन वो एक एक अप्रोच जो हमारे रेगुलर क्वेश्चन में वो भूल गए कि हमने कुछ कार्ड या दो बार नहीं काउंट किए होंगे। सर रेड के दोनों क्वीन। सर मैं तो 28 अपॉन 52 आ रहा है। रुक जाओ, कर रहे हैं। विधि समझ गई बात को यहाँ पर कि भाई कुछ कार्ड हमने दो बार काउंट कर लिए, उनको हटाना तो है। ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, हम पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें या हम पहले कौन से कार्ड निकाल लें जो रेड हो या क्वीन हो, दोनों निकाल लेते हैं। तो रेड और क्वीन हो ऐसे है, 28 कार्ड थे, ओके रेड क्वीन दो बार काउंट हो गई ना, जो रेड कलर में थी और क्वीन भी थे, तो उनको हटा लो। 28 ऐसे कार्ड है जो रेड है या क्वीन है और हमें उल्टा चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, तो बाकी बचे 24। तुम्हारा आंसर होना चाहिए 24/15। समझ गए सब लोग? हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है कि ना हो रेड भी ना हो और क्वीन भी ना हो, तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ना, टोटल से हटाएंगे इसको। अच्छा हाँ, अच्छा सॉरी। ठीक है, चलो मनस्वी बताओ अगला। सर 24 आएगा ना इसका आंसर तो? हाँ 24 ही तो लिखा है। मनस्वी बताओ सेकंड का आंसर। 8 अपॉन 52। क्या आ किंग और अ क्वीन, तो चार किंग है चार क्वीन, 8 अपॉन 52। ठीक है अंशुमन, बताओ थर्ड। मैं आए, रुक जाओ अंशुमन, ये क्या माइक बंद करके क्या बैठ गए हो? मैं बताऊं सर? सर बैठ गया है ऐसे? अरे नहीं आया तो कह दो नहीं आया है। सर नहीं आया। और कौन महाराज छुपा बैठा है जो? तो मैं बता दूं, मैंने एक भी नहीं बताया। नेक भी नहीं बताया, चलो बता दो भाई तुम्हें। 44/52। तो ये तो सेकंड से ही हो जाएगा थर्ड, पहले मैं किंग या क्वीन हूं और थर्ड कह रहा है कि ना हूं, तो बस टोटल सबट्रैक्ट कर दो, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ही हो गया। 52 अगर 8 है तो 44 नहीं है, या प्रोबेबिलिटी वाइज निकालना है तो 1-8/52। समझ गए बात को? ठीक है, देखो ये इन इन टॉपिक्स पे बेस्ड कार्ड क्वाइंस और डाइस मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, कुछ भी इससे बाहर नहीं आ सकता, ये गारंटेड एंड आई डू गारंटेड इन ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर। तुम पेपर देखोगे तो ये मैं फेक नहीं रहा हूँ, बच्चे कहते हैं कि सर हमने सब कुछ क्लास में कर रखा था, वही पेपर में था, हमें कुछ भी नया नहीं दिखा, तो एग्जैक्टली यही होगा बोर्ड में। आई हैव फेथ
बस जो काम कराया जा रहा है ध्यान से करते रहो, ठीक है? चलो आई थिंक सुहानिया कोई डाउट था ट्रिग्नोमेट्री का, बाकी लोग जा सकते हैं, डाउट पूछो सुहानिया अपना। अच्छा होमवर्क, अच्छा अच्छा होमवर्क में एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, मैं वर्कशीट शेयर करूंगा तो वो भी कर लेंगे। ओके सर, एक्सरसाइज कंप्लीट है ना, फिर वर्कशीट भी मैं शेयर कर दूंगा उसको भी। चलो सुहानिया पूछो क्या पूछ रहे थे। So, exercise 8.2 में जो true and false है उसमें है the value of sine theta increases as sine increases. So, इसको justify कैसे करें? As theta increases लिखा है ना? तो मतलब उसको justify कैसे करेंगे? उसमें आगे justify एक तो हम table से कर सकते हैं, table में value नहीं देखती होगी, जैसे जैसे angle बड़ा हो रहा है sine की value भी ज्यादा होती जा रही है। सर मैम ने कुछ कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से कराया था। कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड कर सकते हैं बट उसकी जरूरत नहीं है, इससे अच्छा तुम ये लंबा हो जाता है। मतलब ज्योमेट्रिकली भी कह सकते हैं कि भाई अगर एंगल बड़ा होगा, देखो अगर मैं नहीं उसको इससे नहीं कर पाऊंगा, अरे टेबल से लिखो सीधे, उसमें कोई प्रूविंग की जरूरत नहीं है, ठीक है? बहुत मैं करा दू लेना, अननेसेसरी है, कोई यूज नहीं है, ठीक है? यस सर, ठीक। सिर्फ वैल्यू यही पूछा जाएगा, ट्रू फॉल्स उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तुम सिर्फ वैल्यू बता देना टेबल के हिसाब से। सर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कौन सा? अच्छा वो क्वाड्रेटिक वाला, वो इमेजिनरी सॉल्यूशन। हां हां, तो उसमें मुझे वही एक स्टेप समझ नहीं आया, क्योंकि मतलब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे भेजा था ऐसे सॉल्व करने। आखिरी स्टेप, बस आखिरी स्टेप गलत है, हम रूट माइनस वन हटा दिया वो गलत, बाकी सब कुछ सही है। अब माइनस का रूट हम सीखते नहीं, माइनस वन के रूट को आई लिखते हैं, शायद वो आई लिखना भूल गया तुम्हारा फ्रेंड, तो बस तुम आई लिख दो वहां पर तो सही सोल्यूशन हो जाएगा वो। ओके ठीक है, तो वो आई लिख के मतलब पूरा रखूं मैं, बस जैसा जैसा लिखा वैसे लिखा, तो बस आई लिख दो एक्स्ट्रा वहां पर माइनस रूट माइनस वन की जगह। ओके ठीक है, बट तुम्हें लिखना नहीं होगा सिलेबस में, नहीं होगा। चलो गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, काम कर लेना, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय सर, थैंक यू सर, बाय गाइस, बाय सर, थैंक यू, बाय।